हमारे नारा की नसली की क्यादत अकबरुद्दीन अवैसी कर रहे हैं। मेरे भाई अकबर जरूर मेरा भाई है, मगर आज किस महफिल में नहीं मालूम कौन से कहवे पे बैठे रहे हैं, नहीं मालूम कौन कौन बैठे रहे कि शायद मेरी आंखें उतनी ताकत नहीं है उनको देखने या उनको पहचानने की, मगर मैं उनसे कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं मेरे भाई, मजलिस के इस बेबाक सिपाही की सेहत के लिए दुआ करो। मैं चाहता था कि अकबर आपके जलसे से खिताब करे, मगर अकबर ने मुझसे कहा कि भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, पेट में बहुत दर्द है। लोग नहीं जानते कि अकबर की तबीयत कैसी है, मैं जानता हूं, मगर आज मजबूरन कहना पड़ रहा है, शायद ये जज्बात मुझे क्या ले कहां लेकर चले जाएंगे। कई सालों से मैंने अपने भाई को आराम से नहीं देखा, मेरे मजलिस की रुख का गवाह है। अल्लाह इसके बलाओं को टाल दे, अल्लाह इसको इज्जत से और इज्जत से नवाज दे। मेरे भाई के मल्ले सत्याद मुस्लिम जो ऐवान असेंबली में आज बेबाक नुमाइंदगी असेंबली के ऐवान में बैठ कर खड़े होकर गरीब और मजलूम आवाम के इंसाफ का मुतालबा करना कि हिंदुस्तान की दस्तूर और जमहूरियत में हम लोग बात करना सकते, ये काम कामयाबी से हमारे अल्लाह की असेंबली कर रहे हैं। यकीन इन तमाम को क्रेडिट जाता है और अकबरुद्दीन अवैसी को खास क्रेडिट जाता है। मुखालिफीन मजलिस क्या क्या बातें करते हैं, मगर याद रखो तुम अकबरुद्दीन अवैसी को नहीं जानते ना तुम कभी जानोगे। अकबरुद्दीन अवैसी को जानने वाले बहुत कम हैं और मैं तो सिर्फ अल्लाह से ही दुआ करूंगा कि अल्लाह इस मर्द मुजाहिद को ऐसी लंबी उम्र दे कि अगर वो असदुद्दीन को उम्र की जरूरत नहीं है, मेरी उम्र उसको दे। दुआ करो कि अल्लाह इनको और सेहत दे।